जय हिंद दोस्तों। तो पंचायती राज व्यवस्था अपन पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था में आज हमको याद करना है आर्टिकल। आर्टिकल आज पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी आर्टिकल है सारे के सारे आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल बहुत ध्यान से, क्योंकि याद करने वाला पोर्शन है और इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोग आर्टिकल याद कर पाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे के सारे आर्टिकल याद करवा दूं, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। एक बात और ध्यान रखना है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पहले, ये आपकी वीडियो कौन सी 11वें नंबर की है, पंचायती राज व्यवस्था की 11वें नंबर वाली वीडियो है, लेकिन इसके पहले आपको यदि आर्टिकल सिर्फ याद करना है तो 9वीं वीडियो, कौन सी, 9 नंबर वाली जो वीडियो हमने डाली है आर्टिकल की 243 ए से ओ तक, वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये याद होने वाले हैं सारे के सारे आर्टिकल। बस सारे के सारे आर्टिकल कुछ समय के बाद आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं, इस मुट्ठी को आप बांध कर रखेंगे और एग्जाम वाले दिन सीधा सीधा जाकर आपको इस मुट्ठी को खोल देना है, ठीक है। तो वहां से आपकी यदि आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो गारंटी है वो आपसे गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो 9 नंबर वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ आर्टिकल याद करवा दिए थे, वो आर्टिकल आप लोग बताएंगे मुझे। हमने स्टार्ट किए थे कहाँ से, 243 से, ठीक है, 243 से। आज हमको जो आर्टिकल पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 243 पी, कौन सा, देखो नगर पालिका से संबंधित जो नगर निकाय है, इन नगर निकाय से संबंधित सारे के सारे आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं। तो 243 पी से स्टार्ट होते हैं, तो 243 जेड जी तक चलते हैं, कहां तक चलते हैं, जेड जी तक चलते हैं ये सारे के सारे आर्टिकल। अब बताइए तो जरा, आपने वहां पढ़े थे कहां तक, 243 ए से ओ तक, उसमें 243 को भी हमने काउंट किया था, तो 243 वाला था, उसके बाद ए से ओ तक उसमें थे टोटल कितने, 16, कितने आर्टिकल थे, 16 आर्टिकल थे। यहां कितने, पी से है जेड तक, तो पी से जेड तक तो आपके कितने हो जाएंगे, 11 आर्टिकल हो जाएंगे, और उसके बाद जी तक कितने हो जाएंगे, 7, मतलब इसमें होने वाले आपके टोटल 18 आर्टिकल, और यहां पर थे आपके कितने टोटल, 16 आर्टिकल थे, ठीक है भैया। तो इतने सारे आर्टिकल आप लोगों को याद करना है, और ये वीडियो आप देखकर खत्म करेंगे तब तक आप लोगों को बिल्कुल गारंटी है सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, यदि आप 9 नंबर वाली वीडियो देखकर आए हैं इस वीडियो को देखने तभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो 9 नंबर वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बताना आप लोग, 243 जो था उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, परिभाषा। 243 में क्या देखा था, परिभाषा, किसकी परिभाषा देखी थी भैया, परिभाषा बताओ तो किसकी, अरे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बताए थे ना, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इन सब की परिभाषा किसमें थी, 243 में थी, ठीक है। 243 वाला जो आर्टिकल था उसमें क्या थी, परिभाषा, बताना जरा। ए में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ए से याद करवाया था असेंबली, क्या, ग्राम सभा, आप लोगों को याद करवा दिया, कैसे याद करवाया था वो वीडियो जाकर देखेंगे। बी में आपको याद करवाया था गठन, क्या, पंचायत का गठन। सी में आप लोगों को क्या याद करवाया था, सी में बताओ जल्दी से, सी में संरचना, सी में क्या याद करवाया था, संरचना। डी में क्या याद करवाया था, आरक्षण, आरक्षण। ई में क्या याद करवाया था, ई फॉर ईयर, अरे अवधि, अवधि, ऐसे ही याद करवाया था। एफ में क्या, फेल हो जाओगे क्या, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता किसकी, पंचायत सदस्य की योग्यता। एफ के बाद जी, जी फॉर जीनियस, जीनियस लोगों में क्या होती है, शक्ति, तो पंचायत की शक्ति, सारे पंचायत में चल रहे ना। जी के बाद एच, अरे हमारी हालत खराब है, क्या है, इनकी भी हालत खराब है, एच फॉर हालत खराब है, इनको भी टैक्स लेने का पावर दो, तो इनको कर लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की क्या दो, इनको भी शक्ति दो, ऐसा मैंने आपको याद करवाया था। एच के बाद आ जाएगा क्या आपका, आई, आई फॉर इनकम, इसमें किसकी बात करी थी हमने, वित्त आयोग, किसकी बात करी थी, वित्त आयोग की। आई के बाद क्या आएगा, जे, जे में जांच करना, क्या, लेखांकन करना, लेखांकन,
जे फॉर जांच करना लेखांकन, के में अरे कौन कराएगा चुनाव, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, के बाद में एल, एल मतलब लागू होना, एल का मतलब क्या बताया था, लागू होना, संघ क्षेत्रों में लागू होना, संघ क्षेत्रों में लागू होना, एल के बाद एम, एम में क्या बताया था, कुछ क्षेत्रों में मनाही, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होगा तो मनाही, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगी पंचायत राज व्यवस्था का, कुछ क्षेत्र में लागू लागू नहीं होना, एन में क्या बताया था, निरंतर, जहां पंचायत पहले से है वहां पर बनी रहेगी, है ना, बताया था एन फॉर निरंतर, पंचायत का क्या, पंचायत का बना रहना, बना रहना। इतना आप लोगों को मैंने बता दिया है किस में, 243 ए से ओ तक, वीडियो नंबर 9, देखा नहीं है तो जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे के सारे आर्टिकल याद होने वाले। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं 243 पी से 243 जेड जी तक अब हमको याद करना है। तो कैसे इसको हम याद करेंगे, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते जाना, बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा। यदि ये याद है ना आपको तभी ये याद होने वाला है, वरना कुछ याद नहीं होने वाला है आपको। भैया एक एक वीडियो देखना है तभी सारी चीजें समझ में आएगी। आप सोचेंगे सीधा आप लोग आएंगे ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 243। हम लोग 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकाय को हमने देखा था। नगरीय निकाय में आप लोगों को 243 पी से 243 जेड जी तक आर्टिकल दिए हैं, उन सारे के सारे आर्टिकल को याद करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर, सबसे पहले देखो जरा ये कहां से स्टार्ट हुआ है, 243 से। ये कहां से स्टार्ट होने वाला है, 243 पी से। कहां से स्टार्ट होने वाला है, 243 पी से। यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, परिभाषा। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, परिभाषा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, परिभाषा। जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, सारी की सारी परिभाषाएं आपको सबसे पहले क्या हो जाएगी, परिभाषा। सबसे पहले क्या होने वाली है, परिभाषा। उसके बाद में यहां पर क्या है, दूसरे नंबर पर देखो जरा क्या दिया है, ग्राम सभा। ए फॉर असेंबली, उधर याद करवाया था ना, ए फॉर असेंबली। इधर क्या है, ए फॉर असेंबली, ग्राम सभा याद करवाया था, इसको अभी भूल जाओ, इस ग्राम सभा को भूल जाओ, छोड़ दो। नगर पालिका में कोई नगर पालिका सभा होती, इसलिए इसको याद मत रखो, इस ग्राम सभा को भूल जाओ। यहां से सीधा कनेक्ट करो इसको गठन को, इस गठन को उठा कर ले आओ। परिभाषा के बाद क्या, सीधा ग्राम सभा को भूलो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, उसमें याद रखना, इधर भूलो थोड़ी देर के लिए। परिभाषा के बाद सीधा कहां जाओ, गठन पर। परिभाषा के बाद क्या हो जाएगा, गठन। अरे नगर पालिका का गठन, नगर पंचायत का गठन, नगर निगम का गठन, सारे के सारे गठन। परिभाषा के बाद क्या आने वाला है, गठन। गठन के बाद सी में क्या याद करवाया था, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, संरचना आप लोगों को याद करवाया था। गठन के बाद क्या आएगी, संरचना। तो यहां पर भी लिख दे हैं, गठन के बाद संरचना, संरचना। ठीक है, एक चीज हम यहां छोड़कर आए ना, ग्राम सभा, ग्राम सभा को जो हम छोड़कर आए हैं उस संरचना के बाद यहां ऐड कर देंगे इस ग्राम सभा को। क्या कर देंगे, ग्राम सभा को ऐड कर देंगे, लेकिन इसको ग्राम सभा नहीं बोलते, नगरीय निकाय में थोड़ा चेंज करते हैं इसको, वार्ड समिति। क्या बोलते हैं, वार्ड समिति। वार्ड समिति का उल्लेख है कहां, यहां पर। चलो इतने आर्टिकल लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले 243 कौन सा, पी, है ना, कहां से स्टार्ट हो रहा, 243 पी। यहां 243 क्या हो जाएगा, क्यू। यहां पर क्या हो जाएगा, 243 आर। यहां पर क्या हो जाएगा, 243 एस। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना भैया, देखो यहीं से सारी चीजें हमने कनेक्ट कर ली। सबसे पहले 243 में मैंने आपको उधर याद करवाया था परिभाषा, ये पी से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर सबसे पहले हमने लगा दी परिभाषा। उसके बाद ग्राम सभा को अभी हमने थोड़ा सा स्किप किया है, स्टार्ट किया है गठन से। परिभाषा के बाद गठन, यहां बी फॉर बिल्ड, अरे गठन मैंने आपको याद करवाया था। यहां पर आपको क्या आ जाएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो क्यू में क्या आ जाएगा, गठन।
उसके बाद होता है आर, क्यू के बाद आता है आर। यहां पर संरचना थी इसी के ऐसी उठकर संरचना आ गई सी में, संरचना पी क्यू आर में इधर संरचना है। वह यहां पर एस में चेंज हुआ, जो ग्राम सभा को हम छोड़कर आए हैं वो संरचना के बाद एड कर दिया है। और याद भी रख लेना एस फोर समिति, कैसे याद रख लेंगे एस फोर समिति। कोई आपसे पूछे 243 पी में क्या, 243 पी में परिभाषा, किसकी परिभाषा, नगरीय निकाय की परिभाषा, नगर निगम की परिभाषा, नगर पंचायत की परिभाषा, सारी की सारी परिभाषा। पी के बाद क्यू, क्यू को कैसे कनेक्ट करेंगे, वहां बी में क्या था गठन था, यहां क्यू में क्या है गठन है। उधर सी में क्या था संरचना, यहां आर में क्या है संरचना। आर फॉर रचना भी आप याद रख सकते हैं, कैसे आर फॉर रचना भी आप याद रख सकते हैं, तो आर में संरचना। वार्ड समिति S4 क्या समिति, ठीक है। इस संरचना के बाद यहां क्या है भैया आरक्षण, D से कैसे याद करवाया था D4 दबे लोग, तो यहां पर संरचना के बाद क्या है लिख देंगे आरक्षण, आरक्षण लिख दिया आरक्षण। उसके बाद आरक्षण के बाद क्या है, आरक्षण मतलब समझते हो ना एससी एसटी वर्ग को और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यह बात कही गई है किसमें इन दोनों में, इधर डी में कही है डी फोर दबे लोग, इधर आरक्षण किसमें कहा है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आरक्षण के बाद क्या है अवधि, अरे कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल फिक्स कर दिया ना ई फोर ईयर से मैंने आपको याद करवाया था कार्यकाल, तो इधर किसके बाद आ रहा है आरक्षण के बाद अवधि, तो इधर भी आरक्षण के बाद क्या आएगा अवधि, आरक्षण के बाद इधर भी क्या आ जाएगा अवधि आ जाएगा, इधर अवधि, इसके बाद अवधि के बाद क्या दिया है योग्यता। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, इधर उधर क्या कहा था पंचायत सदस्य की योग्यता, इसमें कह दिया है पंचायत सदस्य की निर्हरता अयोग्यता। आपको इधर फेल्यूअर से मैंने याद करवाया था ना एफ से फेल हो जाओगे, अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अवधि के बाद क्या है निर्हरता लिखो, चाहे योग्यता भी आप लोग याद रखने के लिए योग्यता भी लिख लो भैया, ठीक है। तो योग्यता, चलो इतना आर्टिकल आप लोगों को याद हो गया, 243 पी क्यू आर एस तक तो आपको याद हो गया था, एस के बाद क्या टी, एस के बाद 243 टी, 243 टी में क्या है आरक्षण, इधर किस में था डी में था, है ना। उसके बाद टी के बाद क्या आएगा भैया जल्दी से बताओ, टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो यू वी तक आप लोगों को याद हो गया बिल्कुल। पी में पूछे क्या परिभाषा, क्यू में गठन, आर में क्या है संरचना, वार्ड समिति को अलग से याद रख लेना भैया थोड़ा सा कष्ट कर लेना, उसके बाद आरक्षण अवधि और योग्यता, इधर वाला सेम हो जाएगा आरक्षण अवधि और योग्यता। योग्यता के बाद क्या है शक्ति, अरे पंचायत की शक्ति जी में पढ़ाई थी ना जी फॉर जीनियस, जी फॉर जीनियस, जीनियस लोगों में क्या होता है पावर होता है, तो पंचायत की शक्ति 243 जी में, योग्यता के बाद आ रही है शक्ति, तो यहां पर भी लिख देंगे योग्यता के बाद क्या शक्ति, जी फॉर इधर जीनियस में शक्ति आ गई थी। इधर बताओ जरा वी के बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू, है ना, वी के बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू, 243 डब्ल्यू। देखो ये आर्टिकल याद किए ये अपने आप याद हो रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, बना भी सकते हैं आप इनसे, इन आर्टिकल को बना भी सकते हैं। शक्ति के बाद क्या है जी के बाद एच, अरे हम लोगों की हालत खराब है, पंचायत ने कहा था ना हम लोगों की हालत खराब है हमको भी टैक्स लेने का पावर दो, तो शक्ति के बाद इधर क्या आ गया था पंचायत की कर लगाने की शक्ति, पंचायत की कर लगाने की शक्ति, तो यहां पर भी आ जाएगा नगर निगम या नगर पालिका की कर लगाने की शक्ति। W के बाद क्या आ जाएगा X, अरे टैक्स X, टैक्स X, है ना, ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बढ़े आगे, शक्ति के बाद क्या है वित्त आयोग, शक्ति के बाद क्या एच के बाद आई, आई से कैसे याद करवा था आई फॉर इनकम, इनकम की बात आ गई कौन देखेगा वित्त आयोग देखेगा, ये आई से आप लोगों को याद करवाया था। इधर टैक्स के बाद क्या आ जाएगा वित्त आयोग, वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग। एक्स के बाद क्या होता है एक्स के बाद वाई, तो 243 वाई में क्या है वित्त आयोग, इधर किस में था आई में था वित्त आयोग, बिल्कुल कनेक्ट करके चलना है ना ध्यान से। जे में, जे फोर क्या जांच करना, लेखांकन करना, सिखाया था ना आपको किसका जांच करना, पंचायत ने कितना खर्चा किया है इन सारी बातों की जांच करना। जे में किन से 243 जे में लेखांकन करना, किसके बाद आ रहा है वित्त आयोग, आई के बाद जे, जे में लेखांकन, तो यहां पर वित्त आयोग के बाद क्या आ जाएगा नगर निगम का लेखांकन, जो नगर पालिकाएं होती हैं नगर निकाय होते हैं उनका लेखांकन करना,
लेखांकन करना, किस में आएगा? जेड में। इतना आप लोगों को याद हो गया क्या भैया? बताओ पी में क्या? परिभाषा। पी में क्या है? परिभाषा। क्यू में गठन। क्यू में क्या है? गठन। आर में रचना। एस को स्पेशली याद रखना है। कैसे याद रखेंगे एस को? एस फॉर समिति, वार्ड समिति। एस के बाद क्या जाएगा? टी। उधर डी में था दबे लोग, इधर टी में क्या है? आरक्षण है। टी के बाद में आप लोगों को याद रखना है कितना? यू। उधर डी में क्या था? उधर आरक्षण। डी के बाद ई में क्या था? अवधि। तो इधर किस में आ जाएगा? टी के बाद क्या आता है? यू। यू में क्या आ जाएगा? अवधि। देखो यू में अवधि है ना, यू में क्या हो गया? अवधि। उसके बाद योग्यता क्या हो जाएगी? योग्यता। अवधि के बाद क्या? योग्यता। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवधि के बाद योग्यता, यू के बाद क्या आ जाएगा? वी। इधर आ जाएगी शक्ति, है ना, किसके बाद में आ जाएगी? शक्ति। योग्यता के बाद शक्ति। कैसे याद रखेंगे शक्ति को? जी फॉर जीनियस, है ना, इधर लगा देंगे अवधि के बाद योग्यता। वी में आ जाएगी शक्ति, किस में आ जाएगी? डब्ल्यू में टैक्स, एक्स में वित्त आयोग, वाई में इधर वाला वित्त आयोग आई में है। उसके बाद लेखांकन किस में है? जेड में है। इधर वाला लेखांकन यदि हम देखें तो जे में है, जे फॉर जांच करना, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? के। के फॉर क्या? अरे कौन करवाएगा चुनाव, कौन करवाएगा चुनाव? तो जेड के बाद इधर आ जाएगा, देखना इधर ध्यान से, चुनाव, चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। उधर किस में करा है? के में। लेकिन और किसके बाद आ रहा है? लेखांकन के बाद चुनाव आयोग, इधर लेखांकन के बाद चुनाव आयोग। लेकिन यहां जेड तो खत्म हो गया, जेड के बाद फिर से एबीसीडी चालू कर दो, तो ये हो जाएगा जेड ए 243 जेड ए। क्या हो जाएगा? 243 जेड ए, ठीक है। उसके बाद ए, चुनाव आयोग के बाद क्या है? जे के बाद देखो इधर, के बाद क्या है? एल है। एल फोर क्या याद करवाया था? लागू होना। कहां लागू होना? संघ क्षेत्रों में लागू होना, संघ क्षेत्रों में लागू होना। तो इधर किसके बाद आ रहा है? चुनाव आयोग के बाद। तो नगर निकायों का भी क्या? संघ क्षेत्रों में लागू होना, संघ क्षेत्रों में, संघ क्षेत्रों में लागू होना, संघ शासित जो क्षेत्र है वहां पर लागू होना। किस में आ जाएगा? जेड के बी में। अब बात आती है जेड का सी, क्या हो जाएगा? जेड सी, कुछ क्षेत्रों में लागू होना। क्या हो जाएगा? कुछ क्षेत्रों में, संघ क्षेत्रों में लागू होना। क्या हो गया? संघ क्षेत्रों में लागू होना। इसके बाद क्या होता है? एम। एम आप लोगों को याद करवाया था ना, एम बोलो तो जरा क्या? कुछ क्षेत्रों में लागू होना। कैसे याद करवाया था? कुछ क्षेत्रों में लागू होना, मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, सॉरी। कैसे याद करवाया था? मनाही। एम से क्या याद करवाया था? मनाही, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। तो कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होता है वो क्षेत्र भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, पूर्वस्थ के और दार्जिलिंग वाला भाग बताया था, दिल्ली बताया था, ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होती पंचायती राज व्यवस्था। तो सी में देखो, संघ क्षेत्रों के बाद क्या आ रहा है? कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। इधर भी क्या आ जाएगा? कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना, लागू नहीं होना। किस में आ जाएगा? जेड सी में। अब ये जेड डी है ना और एक जेड ई है, इसके लिए आप थोड़ी सी कृपा कर लेना हमारे ऊपर और इन दोनों की जगह छोड़ के अब यहां से स्टार्ट करना क्या? एन। दो को छोड़ के स्टार्ट करना एन। एन में क्या बताया था भैया? निरंतर पंचायत बनी रहेगी, जहां पर पहले से है वहां पर बनी रहेगी। इन दो को छोड़ दिया, डी और ई को छोड़ दिया, तो जेड ई के बाद क्या जाएगा? जेड एफ। तो जेड एफ में क्या हो जाएगा? यहां पंचायत का बना रहना, यहां पहले से जहां पर नगरीय निकाय है वहां नगरीय निकाय का बना रहना या नगर पालिका का बना रहना, नगरीय निकाय का बना रहना, ये दिया है आपका आर्टिकल नंबर 243 जेड एफ में, ठीक है। और आप बताओ जरा, ओ वाला भी मैंने आपको याद करवाया था ना, ओ फॉर, ओ माय गॉड, यहां पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा चुनाव में, किसी भी क्षेत्र में यहां पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो न्यायालय के हस्तक्षेप में, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा किस में कहा था? 243 के ओ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ के बाद जेड जी, तो यहां जेड जी में कहा है न्यायालय हस्तक्षेप, हस्तक्षेप
नहीं करेगा। बस दो, देखो 16 आर्टिकल इधर थे, 16 आर्टिकल हमने इधर भी बना दिए, लेकिन दो आर्टिकल इधर एक्स्ट्रा हैं, तो इन दो आर्टिकल को याद रख लेना, जेड डी और जेड ई में। देखो डी से कैसे याद रखोगे, डी फोर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, डी फोर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना। तो जिला में जो जिला होता है, इस जिला में क्या होती है, जिला को आपको जिला का जो विकास करना है ना, इस जिला का विकास करना है, इसलिए बना दो जिला के विकास के लिए जिला समिति, जिला के विकास के लिए बना दो जिला समिति। और यहाँ पर होगा जेड ई, जिला के बाद जो महानगर होते हैं ना, महानगर, जहाँ महापौर आप लोगों ने सुना होगा, तो वो महानगर के विकास के लिए, महानगर के विकास के लिए बना दो महानगर समिति। ये लो भैया, सारे के सारे आर्टिकल आप लोगों की बिल्कुल मुट्ठी में। एक बार ध्यान से देख लेना जरा, सबसे पहले याद करेंगे 243 में क्या, परिभाषा। ए में क्या है, ए में ग्राम सभा, ए फोर याद करवाया था, असेंबली, ग्राम सभा। इधर क्या है 243 में, क्या है, परिभाषा। इधर क्या हो जाएगी 243 पी में, परिभाषा, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है। सारे के सारे आर्टिकल आप लोग बनाना सीख गए, बस इतना सा आप लोग याद कर लेना। ए में क्या है, ग्राम सभा, असेंबली याद करवाया था 90 वीडियो में। बी फॉर बिल्ड, पंचायत का गठन। सी फॉर क्या, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, पंचायत की संरचना कैसी, तीन स्तरीय दी थी ना, हाँ। डी फॉर क्या, डी फॉर दबे लोग, कैसा दबे लोग, एससी एसटी और महिलाओं को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। महिलाओं के लिए कितना, 33% आरक्षण की बात करी थी, बिहार 50% देने वाला, ठीक है। डी के बाद क्या हो जाएगा, ई, ई फॉर ईयर, हमने क्या बात की, पंचायतों की कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। ई के बाद एफ, फेल हो जाओगे यदि योग्यता नहीं है, तो पंचायत सदस्यों की योग्यता। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी, जी फोर क्या होता है, जीनियस, अरे जीनियस लोगों में क्या होती है, शक्ति होती है, तो पंचायत की शक्ति क्या हो जाएगा उसमें, पंचायत की शक्ति। एच, अरे हम, एच फोर क्या करेंगे, हमारी एच फोर हालत, क्या हमारी हालत क्या है, खराब, पंचायत करेंगे, हालत खराब है, हमको भी टैक्स लेने का पावर दो, तो पंचायत की कर लगाने की शक्ति एच में। एच के बाद आई, आई से जैसे करेंगे इनकम, आई फोर क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो इनकम में क्या हो जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा, तो आई में क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। आई के बाद जे, जे फोर जांच करना, कितना खर्चा किया है इन्होंने, सारी की सारी जांच कौन करेगा, जांच करने का काम किसका, जे फोर जांच करना, कौन करेगा जांच, बताओ जल्दा, लेखांकन करना है ना, क्या, लेखांकन करना, जे फोर जांच करना या लेखांकन का। जे के बाद के, के में, अरे कौन करवाएगा चुनाव, चुनाव कौन करवाएगा, ऐसे याद रखेंगे, चुनाव कौन करवाएगा, के फोर कौन करवाएगा चुनाव, तो चुनाव आयोग करवाएगा, तो पंचायत वाले भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें, 243 के में है। के बाद क्या जाएगा, एल, के बाद क्या जाएगा भैया, एल, एल फोर लागू होना, क्या हो जाएगा, एल फोर लागू होना, संघ क्षेत्रों में इसका लागू होना। एल के बाद क्या जाएगा, एम, कुछ क्षेत्रों में मनाही, कहां, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो एम फोर क्या हो जाएगा, मनाही। एम के बाद एन, एन फोर निरंतर, जहां पर पहले से पंचायत है वहां पर पंचायत बनी रहेगी। एन के बाद ओ, ओ माय गॉड, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इन्हीं सारे आर्टिकल से आपने, इन सारे आर्टिकल को जब आप लोगों को ये सीरीज याद होगी, पहले परिभाषा यहाँ पर लिख देंगे, इसको रोक देंगे जहाँ मैंने गोला बना दिया, गठन को थोड़ा सा वेट करवाएं, ग्राम सभा को वेट करवाएंगे, अभी तुम रुक जाओ, गठन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर गठन, यहाँ पर गठन, गठन के बाद संरचना, संरचना, आरक्षण के बाद, देखो ये जो ग्राम सभा है इसको उठाकर संरचना के बाद उठा कर लिया है, उसके बाद आरक्षण पे, आरक्षण, अवधि, योग्यता, शक्ति, टैक्स, वित्तायोग, लेखांकन, है ना, उसके बाद संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र कहाँ गए भैया, ये संघ क्षेत्र, ये चुनाव आयोग भी है ना बीच में, लेखांकन के बाद चुनाव आयोग, उसके बाद संघ क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होना। ये लास्ट के दो आर्टिकल लास्ट के दो स्थानों पर लिख देंगे, बीच में दो छोड़ देंगे, डी और ई को छोड़ेंगे। डी में क्या हो जाएगा, जिला के विकास के लिए क्या हो जाएगा, जिला समिति, और महानगर के विकास के लिए महानगर समिति का गठन जेड डी और जेड ई में किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को
अच्छे से सारे के सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे, नहीं भी याद होते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग याद करना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। इस एस को अलग से याद रख लेना है, एस फॉर वार्ड समिति, एस फॉर क्या समिति, डी फॉर क्या डिस्ट्रिक्ट है ना, डी फॉर क्या याद रखना है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिला समिति, और ई में क्या हो जाएगा, डी के बाद ई, और ई जिला के बाद महानगर, महानगर में क्या होगी, महानगर समिति होगी। तो इन दोनों को याद करना, बाकी तो सारे ऐसे कैसे ही उतार देना आप लोगों को, ठीक है, कर लेंगे आप लोग कनेक्ट, अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो बार कोशिश करना बिल्कुल हो जाएगा, है ना, आपने को हारना नहीं है, लगातार मेहनत करते जाना, पंचायती राज व्यवस्था पूरा अच्छे से समझ के पूरा याद करना है भैया। आप लोगों को पूरे 11 वीडियो अभी तक याद हो गए होंगे, उम्मीद करते आप लोगों को याद हो गए होंगे ना, इतना अच्छे से आप लोगों को समझाया है तो याद तो आपको हो ही गए होंगे, नहीं भी याद होते हैं तो कल आपका टेस्ट होने वाला है, आप लोग याद करके आना बिल्कुल। पहले वीडियो से 11वें वीडियो तक एक टेस्ट हम आपका ले चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, उसमें टेस्ट 1 करके डाल दिया, इसकी जो प्लेलिस्ट बना रहे ना हम पंचायती राज व्यवस्था की, उसका टेस्ट 1 आपका हो चुका है, टेस्ट नंबर 2 होने वाला है जो आपका अगले वीडियो में होगा। तो आप लोगों को कल पूरा अच्छे से समझ के आना है ना, याद करके आना, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, पहले जो पढ़ा दिया वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, 74वें संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आएंगे, 73वें संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आएंगे, संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आएंगे, कानून कैसे बनाए वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझा दी गई है। तो बिल्कुल आपको पहले से अभी तक के सारे वीडियो देख कर आना है और टेस्ट देना है, ठीक है, धन्यवाद भैया।